वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आज अगर आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम है मोहसिन रशीद, आई होप सो यू विल बी फाइन। आज की वीडियो में हम स्पेशली तौर पर डिस्कस करेंगे कि लव बर्ड का सॉफ्ट फूड कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन से सीड मिक्स शामिल करते हैं और इसको देने का क्या तरीकाकार है। ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जिन्होंने स्टेरियन पैरट्स, लाबर्ड और कॉकटेल वगैरह रखे हुए हैं। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अपने बर्ड्स को कौन सा सॉफ्ट फूड देता हूँ, उसमें कौन कौन से सीड मिक्स हैं, ये मैं आपके साथ मुकम्मल वीडियो में शेयर करूँगा। जो सॉफ्ट फूड मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ वो खाकर वो हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और अच्छी ब्रीड देते हैं। पूरा सीज़न हमने इनसे ब्रीड लेनी होती है, अगर हम अच्छी खुराक नहीं देंगे वो एक क्लच के बाद ही विटामिन की कमी का शिकार हो जाएंगे। चलें अपने काम की तरफ चलते हैं। ये है सीड मिक्स जो कि सॉफ्ट फूड के तौर पर हमने इनको मिक्सिंग करनी है और अपने ऑस्ट्रेलियन बजरीज और लव बर्ड कॉकटेल वगैरह को जो हम दे सकते हैं। फर्स्ट पे ये है जवार, इसको जवार कहते हैं। तकरीबन 120 रुपए केजी ये मिल जाती है, ये आपने आधा केजी ले लेनी है। उसके बाद दूसरा सीड मिक्स है, ये इसको मोठ कहते हैं। ये 120 से लेकर 140 रुपए तक केजी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद इसको कहते हैं हरी मूंगी, यानी कि ग्रीन मूंगी। एक पाव आपने ये ले लेनी है और एक पाव मोठ ले लेनी है। उसके बाद ये है मकई, मकई है जो आपने क्रश कर लेनी है, क्रश करने के बाद यूज़ करनी है, साबुत मकई यूज़ नहीं करनी। मकई जो है वो आपने आधा केजी लेनी है। उसके बाद बारीक चना, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है बारीक चना, आधा किलो आपने ये ले लेना है। उसके बाद गंदम, गंदम आपने 1 केजी ले लेनी है। 1 केजी गंदम लेकर ये सारी चीज़ों को आसानी से मिक्स कर लेना है। ये जवार हो गई, मोठ हो गई, ग्रीन मूंगी हो गई, ये दालों की एक किस्म होती है, मकई हो गई आधा किलो, चना आधा किलो और गंदम 1 किलो, ये सब चीज़ें लेकर हमने ये मिक्स करनी है। चलिए अब मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, इसको मिक्स करता हूँ। ये फ्रेंड्स देखें, मैंने ये सीड मिक्स है जो वो बिल्कुल ही इनको मिक्स कर लिया है और ये एक किस्म का सीड सॉफ्ट फूड तैयार हो गया है। इसमें बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये देना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, ख़ास तौर पे लव बर्ड्स को और कॉकटेल को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने बजीज़ को देना है तो आपने ये काम करना है कि आपने जो बारीक चना डाला हुआ है ये ऐड नहीं करना। ये जो बारीक चना होता है, ये जो लव बर्ड होते हैं और कॉकटेल होते हैं बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन बजीज़ जो हैं वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते, थोड़ा बहुत तो खाते हैं लेकिन ज़्यादा शौक से नहीं खाते। असल बात यह है कि हमने पूरा सीज़न इनसे ब्रीड लेनी होती है, अगर हम इनको अच्छा सीड मिक्स, अच्छी खुराक नहीं देंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी इनको। एक क्लच देंगे, पहला क्लच देंगे और बर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, उनको विटामिन की कमी हो जाएगी, ना तो वो बच्चे पाल सकेंगे ना ही वो खुद सेहतमंद रहेंगे। मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कैसे देता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि पानी में 24 घंटे इस सीड मिक्स को भगो के रख देता हूँ। ये जब अच्छी तरह भीग जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, उसके बाद सुबह को मॉर्निंग टाइम इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको 24 घंटे भगोने के बाद अच्छी तरह पानी से धो लेना है, एक से दो दफ़ा लाजमी, ताकि मिट्टी वगैरह जो होती है मिक्स हुई हुई वो साथ ना जा सके। फ्रेंड ये चेक करें, मैंने अपने लव बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर दिया है, बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शौक से चने खाते हैं। इसमें जो भी सारे के सारे सीड मिक्स मैंने किए हैं वो भरपूर ताकतवर हैं, जो इनकी सेहत के लिए, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपने सीड मिक्स देना है इनको वो भिगो के देना है पानी में, 24 घंटे भिगो के देना है, क्योंकि चने होते हैं और दूसरे सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं,
जब 24 घंटे पानी में भीगे रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये आसानी से खा सकते हैं। अक्सर लोग हैं ये बॉयल करके भी देते हैं, लेकिन बॉयल करके देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें विटामिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इनको पानी में भिगो कर दें, बॉयल करके ना दें। आप अच्छी खुराक देंगे, अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे, वो जल्दी से जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी एग ले करेंगे, बच्चे निकालेंगे और अच्छी परवरिश के साथ उनको पालेंगे। दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हैं वो भी आसानी से वो पाल लेंगे, क्योंकि अगर इनको खुराक हम अच्छी देंगे तो ये ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे। पिछले सीज़न में मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं अपने लव बर्ड की केयर अच्छे तरीके से नहीं कर सका था, तो हुआ उनके साथ ये कि उनको विटामिन की कमी हो गई, उन्होंने बच्चे निकाले और अपने बच्चों के पार खाना शुरू कर दिए। तो इस दफ़ा मैंने इनकी केयर अच्छी की है, जब मैंने मटकियाँ उतार दी थी तो सॉफ्ट फूड और अच्छा सीड मिक्स देता रहा हूँ मैं इनको, तो माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल तैयार हैं। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, आप भी अपने बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड सीड मिक्स लाजमी बना कर दें ताकि आपके बर्ड्स की प्रोग्रेस अच्छी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Thank you.